पर उस ड्रैगन को सबक सिखा दूंगा। सभी जानवर वहां से अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जानवर अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी वह ड्रैगन डायनासोर वहां आ जाता है और एक बकरी को उठाकर ले जाता है। सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। ड्रैगन डायनासोर बकरी को खाने के लिए दूर जाकर नीचे उतरता है। तभी वहां पर वह उड़ने वाला दानव पहुंच जाता है। इस बकरी को छोड़ दे दुष्ट डायनासोर, अगर तुझ में हिम्मत है तो आजा मुझसे मुकाबला करके दिखा। फिर ड्रैगन डायनासोर और उड़ने वाले दानव में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर आग बरसाने लगते हैं। उड़ने वाला दानव जादुई था। वह आग का बड़ा सा गोला बनाकर उस ड्रैगन डायनासोर की ओर फेंकता है। ड्रैगन डायनासोर उस आग के गोले से बच नहीं पाता है और वह आग का गोला उस डायनासोर के आर पार निकल जाता है और वह ड्रैगन डायनासोर आग में जलने लगता है और जलते जलते वह नीचे जमीन पर जा गिरता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इस तरह से उस ड्रैगन डायनासोर का अंत होता है और जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं और उस उड़ने वाले दानव का धन्यवाद करते हैं। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही समझदार और रहमदिल था। सबका जीवन बड़े ही मजे में कट रहा था। वहीं एक टीले पर एक बड़ा ड्रैगन रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था और उसके मुंह से आग भी निकलती थी। एक दिन ड्रैगन ने सोचा, अरे कितने दिन हो गए मुझे इसी जगह पर रहते हुए, अब तो यहाँ बोरियत सी होने लगी है, क्यों ना यहाँ से कहीं और निकला जाए और ताजे भोजन का मजा लिया जाए। ऐसा बोलकर वह ड्रैगन वहां से उड़ता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह ड्रैगन काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल के ऊपर पहुंच जाता है जिसमें शेर रहता था। ऊपर से वह देखता है कि बहुत सारे जानवर मस्ती में मस्त थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही मोटे ताजे जानवर हैं। ये तो मेरे कई महीनों के भोजन का प्रबंध हो गया। हा 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 हा। ऐसा बोलकर वह जंगल में नीचे उतरने लगता है। इतने में एक हिरण की नजर उस ड्रैगन पर पड़ जाती है और वह हिरण जोर जोर से चिल्लाती हुई वहां से भागने लगती है। भागो भागो, ड्रैगन आया, भागो, सब अपनी जान बचाओ। सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं। इतने में ही बकरी का एक बच्चा पीछे छूट जाता है और वह ड्रैगन उस बच्चे को उठाकर वहां से चला जाता है। सभी जानवर इस बात से बहुत दुखी होते हैं और सभी महाराज शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज महाराज, जंगल में एक ड्रैगन घुस आया है और वह मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है, प्लीज कुछ करो महाराज। हाँ महाराज, वह ड्रैगन बहुत ही ताकतवर है और उसके पास मुंह से आग उगलने की शक्ति भी है। तो ये बात है। देखो दोस्तों, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे हराना हम में से किसी के बस की बात नहीं, यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हमें यूं ही मरना होगा महाराज? नहीं दोस्तों, हम भले ही ताकत में उससे नहीं जीत सकते, लेकिन हमें उसे हराने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। फिर महाराज शेर